नमस्कार, मैं अनिल दीक्षित। बहुत लंबा टाइम लगा, कई सारी ऐसे कार्य आ गए थे सामने जो करने जरूरी थे, और इस वजह से आप लोगों से बात नहीं हो पाई। आज एक बहुत अच्छा और रोचक विषय है। रोचक शायद न लगे आपको, लेकिन जरूरी बहुत है जानना उसको, क्योंकि रोचकता की बात करी जाए तो आजकल जो लोगों की रुचि है वो तो विभिन्न विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में जो आपके लिए लाभकारी है उनको भी रुचियों के साथ साथ जानना समझना बहुत आवश्यक होता है अपने जीवन को सुखी रखने के लिए। तो आज जीवन में जो चार उपलब्धियां बताई गई शास्त्रों में, वो बताई गई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार उपलब्धियां हैं जीवन की। अभी इन चारों उपलब्धियों का या जो इनका समायोजन है या जो लाइफ में इनकी वरीयता क्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जिससे कि हम वास्तव में इन उपलब्धियों के मिलने के बाद सुख का और प्रसन्नता का अनुभव कर सकें, और ये जो उपलब्धियां हैं वो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हों। क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि ये उपलब्धियां लोगों के पास भी हैं, उसके बावजूद भी उनका जो जीवन है वो प्रसन्नता वाला नहीं है, वो परेशान है और कई तरह की उलझनों में उलझे हुए हैं। सबसे पहले आता अर्थ। आज के युग में जो लोगों की अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो ये है कि हमारे पास अर्थ हो, और वो बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि जन्म से लेके और मृत्यु तक जो कुछ भी जीवन में हम कर पाते हैं या सुख का अनुभव करते हैं उसमें अर्थ का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो आध्यात्मिक कार्य करना चाह रहे हो तो भी उसमें अर्थ तो सभी में लगेगा, बिना अर्थ के तो कुछ है ही नहीं। तो अर्थ का मतलब ये है कि जितनी भी संपदा दुनिया में है उस सारी संपदा को मनुष्य जो है वो अपने अधीन चाहता है। सुख तो केवल नंबर का है और कोई सुख नहीं है, लेकिन उसका अधिपत्य है, ये अर्थ का सुख होता है कि आदमी के पास में होने की किसी के पास में मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए हैं या उससे भी ज्यादा हैं, तो वो उसका सुख क्या अनुभव करेगा? उसका कोई वो ऐसा तो है नहीं सोना खाने लगेगा या कुछ स्पेशल करने लगेगा। वो जीवन तो उसको वैसे ही जीना है जैसे सब जीते हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन वो इतना बड़ा अंतर नहीं है जिसके लिए 500 करोड़ या 5,000 करोड़ इकट्ठे करने की इच्छा होती हो। वो सुख केवल अधिपत्य का है कि हमारा है, ये मेरे अधीन है, इतना मेरे अधीन है, तो वो सुख की स्थिति है। अब अर्थ अगर मान लीजिए आपके पास में आ भी गया, दुनिया का संपूर्ण सोना भी आ गया, दुनिया में जितनी सुंदर स्त्रियां हैं वो भी आपके अधीन आ गई, ये अर्थ में ही आती हैं सारी चीजें। जो कुछ भी दुनिया में जो आपको दिखता है ईश्वर का बनाया गया वो सब अर्थ में ही है। उसको हासिल करने की इच्छा जो है वो मनुष्य की रहती है, और अब आपके पास आ गई, आपका अधिपत्य हो गया, तो उसके बाद में फिर काम स्टार्ट हो जाता है। काम का मतलब उन चीजों को भोगना। आपने धन कमा लिया, सारी संपदाएं सारी चीजें आपके पास हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यहां दो शब्द हैं उपयोग और उपभोग, तो हम उपयोग शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर आप उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए जो है दूसरा सुख ये है कि हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां इस टाइप की बनी रहे, हमारा जो भी है वो ऐसा बना रहे कि हम उनका उपभोग कर सके। सारे खाद्य पदार्थ आपके सामने रखे हुए हैं, आपने अर्जित कर लिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आपको शुगर है और आप जो है ये चीजें तो खा नहीं सकते। अब आप सोचिए कितना बड़ा दुख आपके सामने पैदा हुआ कि जिस आदमी के पास नहीं है खाने को वो तो संतोष कर लेता है, लेकिन एक आदमी ऐसा है डाइनिंग टेबल पे 8 लोग बैठे हैं
सारे लोग मजे लेके खा रहे हैं, वो बैठा हुआ देख रहा है, उसके लिए लौकी उगली हुई आ रही है। तो काम का मतलब यह है कि उन चीजों को उपयोग कर पाने की क्षमता हासिल हो, ये दूसरा सुख है। तीसरा सुख जो है वो आपके पास पैसा भी आ गया, रुपया भी आ गया, आपने खूब उपभोग किया लेकिन किसी को दिया नहीं। धर्म, धर्म का मतलब दान, देना। तो आपने अगर दिया नहीं तो आपके बारे में जो सामाजिक स्थिति होगी वो आपकी बहुत ही अच्छी नहीं होगी, लोग आपको बहुत अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। तो वो भी बहुत आवश्यक है कि हमें अगर भगवान ने धन दिया है, हमने उपभोग भी किया है, उसके बाद ऐसी मनोस्थिति मिली रहे कि हम उसको दे भी सके। अगर आप देंगे तो आपकी चर्चा दूर देशों तक होती है, जैसे आज लोग बाग याद करते हैं कि बिल गेट्स ने अपनी इतनी संपत्ति दान कर दी, या जुकरबर्ग ने इतनी संपत्ति दान कर दी, या फिर अपने अजीम प्रेम जी ने इतनी संपत्ति अपनी दान कर दी जन कल्याण के लिए। तो इससे उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है? इससे उनको सुख प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ा जो जीवन का अंतिम सुख होता है, जो संतों महात्माओं से भी के लिए भी बड़ा उससे पार पाना मुश्किल होता है, वो होता है लोकेशना, कि लोक में लोग हमको अच्छी नजर से देखें कि हम एक अच्छे इंसान है। और वो सुख आपको तभी प्राप्त होगा जब दान करने की, देने की मानसिकता आपके अंदर बनी रहे। और तीसरा आता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये वो अवस्था होती है कि जहां न अर्थ हो, जहां न काम हो, उनको उसी श्रेणी में समझे जैसे अभी हमने बताया था कि आपके पास न तो धन है, न उनको उपभोग करने की क्षमता है, और ना ही आपके पास दान, जब धन नहीं है तो दान भी नहीं दे पाएंगे। जहां कुछ भी नहीं है उसके बावजूद भी मनुष्य जो है वो आनंद में रह सके, तो वो चौथा सुख की स्थिति होती है कि सब कुछ दे करके भी कुछ भी नहीं बचा उसके बाद भी आप आनंद में जी सके, तो वो मोक्ष कहलाता है। अब ये संभव कब होगा? ये संभव कैसे होगा कि चारों चीजें बनी रहे? कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो धन कमाने में ही इतने ज्यादा लग जाते हैं कि बाकी की चीजों का उन्हें होश ही नहीं है। पैकेज उनको मोटे मोटे मिल जाते हैं लेकिन जो मालिक है वो एक उनके सर पे एक प्रेशर डाल देता है कि भैया ये हमें आपसे रिटर्न में चाहिए। तो उनकी हालत ये होती है कि सवेरे 6 बजे से उठते हैं, हमने जो अपनी आंखों से देखा है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो बड़ी पोस्टों पर लोग हैं, कहीं CMD बना दिए गए हैं या और किसी CEO बना दिए गए हैं, तो सवेरे 6-7 बजे से उनका काम शुरू हो जाता है और रात के 11 बजे तक काम चलता रहता है, और उसमें शारीरिक श्रम तो होता नहीं है, मानसिक श्रम बहुत ज्यादा होता है। तो जब मानसिक श्रम ज्यादा करोगे, शारीरिक श्रम करोगे नहीं, तो शरीर जो है जब यूजलेस होगा तो इसके जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे बेकार होने लगेंगे। जब बेकार होने लगेंगे तो फिर आप उस अवस्था में बचेंगे ही नहीं जो उसका, जो आपने अर्थ कमाया है उसका सही से आप उपभोग कर सकें। तो काम खत्म हो जाएगा। और दान, जिसको आपने इतनी ज्यादा उसके सब कुछ, जिसके लिए आपने खुद नहीं इस्तेमाल किया जिसका, उसको दूसरे को कैसे दे दें? तो वहां पे आप दान से भी, जो धर्म है उससे भी चूक जाएंगे। और जब उससे भी चूक जाएंगे तो ऐसी अवस्था में आप मोक्ष के आनंद की प्राप्ति करेंगे वो तो संभव है ही नहीं। अब इनका क्रम क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें इनको अपने जीवन में रखना चाहिए, तो इसके लिए बड़ा सुंदर जो है रामायण से दृष्टांत मिलता है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 4 भाई रामायण में दशरथ के पुत्र थे। तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया उसमें राम जो है वो मोक्ष के स्वरूप बताए गए हैं, भरत जो है वो धर्म के स्वरूप बताए गए हैं, और लक्ष्मण जो है वो काम के स्वरूप बताए गए हैं, शत्रुघ्न जो है वो अर्थ के स्वरूप बताए गए हैं। अब यहां पर देखें कि सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा मोक्ष, फिर धर्म, फिर काम और फिर अर्थ। तो हमें भी अपने जीवन में अर्थ के पीछे उतना ही दीवाना होना चाहिए जो हमारा शरीर और मस्तिष्क सही बना रहे, उसको भोगने की स्थिति में हम बने रहें। हैं, कभी कभी आप दृश्य देखोगे जब मोटा पेट लिए सेठ जी जा रहे हैं, या उन्होंने कि बहुत सारी चीजें आपको देखते हैं, आप बहुत सब समझदार लोग हैं,
कि वो इस लायक ही नहीं बचते कि वो उस अर्थ का भोग कर पाए। और ये आप पक्का समझिए कि जब आदमी खुद नहीं भोग रहा है तो वो दूसरे को भी भोगने नहीं देगा। तो अर्थ का स्थान जो है जीवन में बहुत उपयोगी है, लेकिन उस अर्थ को कमाने में इतने न लीन हो जाए कि हमारा शरीर खराब हो जाए, हमारा मस्तिष्क जो है वो खराब हो जाए और हम बाकी के सुखों का भोग न कर पाए। तो सबसे पहले अर्थ को कमाए बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे ही अर्थ आए तो उसका संचय न करें बहुत ज्यादा। उसका संचय करने से कोई फायदा नहीं होगा, नंबरों को गिनने से कोई लाभ नहीं होगा। जब मरोगे तो एक नंबर भी संग नहीं ले जा पाओगे, कुछ नहीं जाएगा साथ में। तो अर्थ, आपने धन संचय धन अर्जित किया, अर्जित करने के बाद में उसका उपयोग करें अपने लिए, उपभोग न करें, उपयोग करें अपने लिए जितना भी आपको आवश्यकता, खूब मस्त जिए। और उसके बाद में चूंकि उपयोग करेंगे तो वो धन बच जाएगा, और बच जाएगा बहुत ज्यादा, तो आपने उसमें जान दी नहीं है तो उसको दान देने की भी आपकी क्षमता बनी रहेगी। तो जो भी कर सकते हैं वो समाज के लिए भी हम करें। तो इनका क्रम अगर हम वरीयता अपने दिमाग में बैठा लें तो सबसे पहले नंबर पे हमारे सामने वो स्थिति होनी चाहिए जहां पे अगर ये हमारे सामने कुछ भी ना हो तो भी हम आनंद में जी सके। उसके लिए एक माइंड सेट की जरूरत है, किसी संसाधन की जरूरत नहीं है, वो मोक्ष की अवस्था है। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पे आपको सदा प्रसन्नता तैरती हुई दिखेगी, महान संतोष दिखेगा। कहीं वो आपको चिल्लाते बिल्लाते नहीं मिलेंगे, ठीक है, मौज से जी रहे हैं। पहली प्राथमिकता वरीयता क्रम में रहनी चाहिए। दूसरी धर्म की रहनी चाहिए कि अगर आपको ये मानव जीवन मिला है, यहां मजदूरी करनी है और कुछ करने को मिलेगा नहीं, कोई पारितोषिक भी नहीं मिलना। आप जब यहां से जाएंगे तो खाली हाथ धक्के दिए जाएंगे, चाहे तो जला दिए जाएंगे, चाहे आप कहीं दफना दिए जाएंगे, इसके अलावा आपका कुछ नहीं होना। जिंदगी भर मजदूरी करोगे और एट लास्ट आपको उसी घाट पे पहुंचना है। तो जब हम मजदूरी ही करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा काम ही इतना ही है, भगवान ने बनाया हमको अपने काम के लिए, हमारे काम के लिए नहीं, अपने काम के लिए। उन्हें जो कराना था उसके लिए हमें दुनिया में पैदा किया। अभी हम प्रभु से अगर प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे धर्म के ही काम कराओ ना, हमको क्यों इस झंझट में उलझा रहे हो, रोटी तो सबको मिलती है। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य कमाता है और तो बाकी का कोई कमाता नहीं, जीते सब हैं। तो अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तो ऐसा काम दे दो जो हम धर्म के कार्य में लगे रहे, और वो आपको अगर मिल जाए, मिलेगा जरूर अगर आपकी ऐसी इच्छा होगी, तो ईश्वर आपकी इच्छा के लिए ही तो बेचैन है, वो सबकी इच्छाएं पूर्ण करते, जो इच्छा करे हो मनमाही, हर प्रसाद के दुर्लभ नहीं, जिसने जैसा सोचा जैसी चाहत थी वैसा उसको मिल गया जीवन। तो अगर हम वरीयता क्रम में दूसरे पे धर्म को रखें, तीसरे पे फिर काम। अगर मान लीजिए हम उस स्तर पर नहीं पहुंच रहे हैं और हमें ये लगता है कि भाई हम इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कुछ हमें भी तो मिलना चाहिए, तो आप उसको तीसरे नंबर पर रखें और अर्थ को चौथे नंबर पे, कि हाँ जितनी जरूरत है उतना पैसा अगर हम हमारे पास आ रहा है तो ठीक है, मौत से जिंदगी कट रही है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको किस मात्रा में किस तरीके से अपने जीवन में रखना चाहिए, ये वीडियो इसके ऊपर थी। और हो सकता है आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और हम कोशिश करेंगे कि आपके समक्ष आते रहेंगे, अब इतना लंबा गैप नहीं मारेंगे, और जो गैप हुआ उसके लिए क्षमा भी प्रार्थी हैं। नमस्कार।